नमस्कार, आप देख रहे हैं आठ घट न्यूज। खबर मोतिहारी से है। पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि में आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल हत्या कांड के 3 महीने बीत जाने के बावजूद भी मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के अलावा हरसिद्धि थाना पुलिस की कार्यशैली से असंतुष्ट परिजनों ने दूसरी बार अरेराज छपवा सड़क को जाम कर दिया। सड़क पर बैठे आरटीआई कार्यकर्ता के परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ जमकर हंगामा भी किया। मृतक विपिन के परिजन लगातार मुख्यमंत्री को बुलाने की मांग पर अड़े थे और पुलिस आक्रोशित परिजनों को मना पाने में असमर्थ साबित हो रही थी, जिस कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। सड़क जाम करके बैठी आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल की पत्नी मोनिका देवी ने बताया कि उनके पति की हत्या हुई 3 महीने हो गए, लेकिन पुलिस अब तक मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। मोनिका देवी ने बताया कि हत्याकांड में 3 महीने पूरे होने के बावजूद भी पुलिस ने कोर्ट में अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं की है। उन्होंने बताया कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक वह अपने बच्चों के साथ सड़क पर ही बैठी रहेंगी। बता दें कि विगत 24 सितंबर को दिन दहाड़े हरसिद्धि प्रखंड गेट के पास आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल को अपराधियों ने गोली से भूनकर हत्या कर दी थी। परिजनों के द्वारा अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध हरसिद्धि थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। घटना के बाद एसपी नवीन चंद्र झा द्वारा गठित एसआईटी टीम ने 2 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं घटना में शामिल 3 अपराधियों के गिरफ्तारी के लिए अभी तक छापेमारी जारी है। हमको सीएम साहब से बात करना है, एसपी साहब इसमें हथियारा है मेरे पति का। जी ऐसे करे से विधि जी नहीं, ये कुछ नहीं हुआ है। 3 महीने का समय दिए हैं। हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, प्रयास बहुत किए हैं, कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। आप लोग किए हैं ना, आप लोग एक्शन लिए हैं ना, आप हर रखे इस बार विधि व्यवस्था खत्म आप नहीं करेंगे। इस बार हड़ताल बंद नहीं होगा, हमें इंसाफ चाहिए। हम लोग कई प्रयास किए हैं, नहीं बहुत भेजे हैं, आप लोग पता नहीं है। बिना केस के हम लोग भेजे हैं, समझे, अपने कमाई किए हैं और कर रहे हैं। 100 रुपया सो हमारा लगातार दे के आया है, उसके बाद 2 महीना सो हम तकलीफ हो गए हैं। दौड़ा के तब कल मृत्यु प्रमाण पत्र मिला है। अब मृत्यु प्रमाण पत्र तो मिल गया है, लेकिन आज किस लिए है, थोड़ा इसके बारे में बता। गिरफ्तारी का मांग है उन लोग का। अभी तक इस केस में एक भी गिरफ्तारी नहीं हुआ है। इसके पहले भी 2020 में सो घर पर अटैक हुआ था, उसमें भी उसमें तो नामित किया गया था, उसमें अभी तक ऐसा एक भी गिरफ्तार है, कुछ नहीं हुआ है उसमें भी, और इसमें भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। एसपी साहब से फोन पर बात हुआ कि हम आ रहे हैं, मिल रहे हैं, उसी लड़का से बात हुआ था रोहित से, लेकिन नहीं आए। पतोहू हमारी गई हुई थी एसपी के यहाँ, घर पर अटैक हुआ था, तब उस विषय में बात करने के लिए ऑफिस से झाड़ के भगा दिए। यदि उस समय एक्शन ले लिए रहते तो विपिन का हत्या नहीं होता। यहाँ तो मुजरिम को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। यहाँ देख लीजिए, अजय सिंह का नामजद है इसमें। अजय सिंह के लिए यहाँ देखिए थाना के ये मंदिर के बगल में उसके लिए दुकान अलॉट हुआ है, वो दुकान खोल के बैठेगा।